गरियाबंद पुलिस की स्पेशल टीम पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान मंगलवार को पुलिस की टीम ने एक सब्जी से भरी पिकअप को रोककर चेकिंग की, जिसमें 54 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोरबा मेडिकल कॉलेज के कई विभागों में मंगलवार से ताला लटका हुआ है। वजह है, यहाँ पर काम करने वाले जीवनदीप समिति के 75 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कलेक्ट्रेट दर पर सैलरी देने और अस्पताल में उनकी स्थायी भर्ती करने की इनकी मांग है। अंबिकापुर में सब्जी लेकर जा रहे पिकअप चालक की लापरवाही से चली गई दो की जान। टक्कर मारने के बाद पिकअप को छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। हादसे के बाद उगरे हुए लोगों ने वाहन में आग लगाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। कोंडा गांव में देर रात हुए सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हादसा नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक और बोलेरो की टक्कर के चलते हुआ। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सोना सिल्ली में झोपड़ी के अंदर जल रहे अलाव से आग लगने से वहां सो रहे ठाकुर दंपति हीराधर और पत्नी हेमबाई ठाकुर की मौत हो गई। बिलासपुर में मंगलवार की दोपहर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर गुलाटी मारते हुए पलट गई और सामने से आ रही एक्टिवा सवार आरक्षक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक्टिवा कार के नीचे दब गई। बिलासपुर में असिस्टेंट फूड इंस्पेक्टर के घर के आसपास पिछले 10 दिनों से अनजान युवक रेकी करते नजर आ रहे हैं। इससे इन्हें अपनी 6 साल की बेटी की अपहरण की आशंका है। डर के कारण उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस से शिकायत की है। जशपुर में पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग को जिंदा जलाकर मार देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी करीब 1 साल से फरार चल रहा था। पुलिस की नौकरी लगाने के नाम पर 2,05,000 रुपए की ठगी करने के मामले में कवर्धा जिले की पोंडी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को बेमित्रा जिले की नवागढ़ पुलिस ने एक फर्जी पुलिस कांस्टेबल को वसूली करते हुए रंगों हाथ पकड़ा है। वह अपने रिश्तेदार की वर्दी पहनकर खुद को पुलिस वाला बताकर लोगों को डराया धमकाया करता था। इसके आतंक से क्षेत्र के लोग परेशान थे। मंगलवार की शाम करीब 5:30 बजे धमतरी जिले के कोलियारी चौक के पास पिकअप वाहन जो कि नगरी रोड की ओर से आ रही थी, सामने से आ रही एक बाइक को ठोका, फिर ट्रक से टकरा गया। हादसे के बाद जब पिकअप वाहन को देखा गया तो उसमें करीब 100 किलो के आसपास गांजा भरा हुआ था। बिलासपुर जिले की सिरगिट्टी पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद फरारी के दौरान रायपुर में पहचान बदलकर छिपा हुआ था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल समेत नगद को जब्त किया है। कवर्धा जिले की बोडला पुलिस ने अंतरराज्यीय एलपीजी गैस चोर गिरोह का पर्दाफाश कर कवर्धा गैस एजेंसी के संचालक नवनीत गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के 3 अन्य आरोपी 3 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे। यह गिरोह नेशनल हाईवे से गुजरने वाले एलपीजी के टैंकर वाहनों से गैस चोरी करते थे। राजधानी रायपुर में खुलेआम गुंडई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोल बाजार थाना इलाके में लालगंगा शॉपिंग मॉल के पीछे स्थित राजीव गांधी आवास परिसर में खड़ी दोपहिया और 4 पहिया वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई। अपनी बहन को कुरूद छोड़कर स्कूटी से घर लौट रही 17 साल की एक छात्रा से रास्ते में 5 युवकों ने मिलकर छेड़खानी की।
एफआईआर के करीब डेढ़ घंटे बाद पुलिस ने छोटी के उप सरपंच, रोजगार सहायक और कुरुत के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ फील्ड वर्कर को गिरफ्तार कर लिया है। राजीव नेशनल हाईवे 130 पर कचना धुरवा मंदिर के पास मंगलवार को तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि मौके पर ही एक की मौत हो गई। जांजगीर जिले में बलौदा थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन की ठोकर से मौत हो गई। घटना शासकीय कॉलेज ग्राम भिलाई के पास शाम 6:15 बजे की है। घटना की सूचना मिलते ही सड़क में भीड़ और चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। जांजगीर जिले में अकलतरा नगर वार्ड क्रमांक 8 लटिया रोड में 25 वर्षों से लातूर महाराष्ट्र से यहां रहकर कबाड़ का धंधा करने वाले परिवार के लोगों ने नगर के 5 व्यापारियों से 4 लाख रुपए का सामान खरीदा और फरार हो गए। इससे व्यापारियों में आक्रोश है। जशपुर जिले के तुमला बैरियर में तैनात कर्मचारियों को चकमा देकर गांजा तस्कर वाहन सहित फरार हो गए। पुलिस की टीम ने पीछा कर एक तस्कर को पकड़कर वैन से 45 किलो गांजा जब्त किया है। मामला तपकरा थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ उड़ीसा की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित लवाकेरा का है। घर वापसी अभियान के राष्ट्रीय संयोजक प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने मंगलवार को जशपुर जिले के सन्ना पहुंचे। यहां उन्होंने एक आयोजित भव्य कार्यक्रम में 8 साल के मतांतरित बालक का पैर धोकर हिंदू धर्म में वापसी कराई। मुंगेली जिले में हुई बुजुर्ग की हत्या का राज खुल गया है। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बेटे और पोते ने ही की थी। दोनों ने जमीन विवाद के चलते धारदार सब्बल से मारकर बुजुर्ग को मार दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलौदा बाजार विकास खंड के ग्राम पंचायत कोरदा में पनखती तालाब पार में एक युवक द्वारा पैरा रखकर तार से घेराबंदी कर कब्जा किए हुए जमीन पर तहसीलदार ने अवैध कब्जा हटवा दिया। गौरेला पुलिस को मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ने में सफलता मिली है। इनमें से एक विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक भी शामिल है। आरोपियों के पास से 6 बाइक सहित करीब 3 लाख का माल जब्त किया गया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिशन हॉस्पिटल कैंपस में संचालित वेल हल्ला कैफे में ग्राहकों को इकट्ठा कर हुक्का पिलाने की सूचना पर पुलिस ने रेड मारी, जहां वेल हल्ला का संचालक आकाश यादव, मैनेजर मनीष चेतानी अपने वर्करों के साथ ग्राहकों को इकट्ठा कर हुक्का पिलाते हुए मिले।